इन तस्वीरें सीधी फिर से आ रही हैं, आपको दिखा दें। वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचे हैं, सरयू तट पर दिवाली वहां पर मनती है। अब जो अन्य मेहमान हैं उनके पास भी मुझे जाने दीजिए थोड़ा। अनुराग भदौरिया जी, आपका हाथ भी मैं देख रही हूं। विनोद बंसल जी, आपका भी बहुत संतोष वाला चेहरा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बतौर पत्रकार विटनेस किया है वीएचपी से लेकर संघ परिवार सबका राम मंदिर को लेकर जो उनकी बात थी, और वो वक्त भी देखा है जब इस मांग पर हर कोई अट्टहास उड़ाता था या अयोध्या नगरी को ही अछूत माना जाता था। और कुछ देर में तो भदौरिया जी के लिए खास वो तस्वीरें निकाल कर रखिएगा। 90 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दिग्गज है वो, पूजनीय है, अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। और आज वहीं पर हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा कर रहे थे अयोध्या पे, वो तस्वीर निकाल कर रखिएगा। लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी, आपके भाव आज। अंजना जी, आज ओम की कृपा है, राम जी की कृपा है और संपूर्ण विश्व आलादित है। आपके सभी पैनलिस्टों को, सभी दर्शकों को कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, और वर्षों की यानी कहूँ सदियों की तपश्चर्या वो पूर्ण हुई है, भगवान ने हमारी सुन ली। वास्तव में आपने जो कहा, संघर्ष तो बहुत किया, और सिर्फ विश्वेंदु परिषद ने नहीं, मैं इसका श्रेय सिर्फ विश्वेंदु परिषद को नहीं देना चाहूंगा, इसका श्रेय तो वास्तव में उन लाखों बलिदानी राम भक्तों को है। इसका श्रेय तो सारे के सारे उन अपने संघर्ष करने वाले कार सेवकों को है, जिन्होंने अनथक रूप से परिश्रम किया। अरे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे वो, विनोद बंसल जी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, और आज उनके परिवार वालों के लिए कितना अनूठा दिन होगा, उनका सपना पूरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 में फैसला आया, 20 में फॉरन ट्रस्ट का गठन किया, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया थी वो मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं, ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई है अयोध्या से, पावन अयोध्या धाम, आज दीपों का उत्सव है, आज फिर से दिवाली है, ऐश्वर्या। और अंजना, दिवाली क्यों ना हो, 500 साल के बाद आज प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों के बीच में एक बार फिर आए हैं। हमने देखा था किस तरीके से कल पूरी रात नाच गाना और जश्न मनाया गया था अयोध्या के अंदर, और आज दिवाली मनाई जा रही है। हटूंगी थोड़ा साइड से और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे सरयू घाट पे लाखों दिए जला दिए गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आज के दिन 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसका कारण यही है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अब एक बार फिर से जिस तरीके के राम राज्य की कल्पना की गई थी, जो सनातनियों का जो मानना है कि राम राज्य आएगा और एक बार फिर से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उस शिखर पे पहुंचेगा जो कभी वो इतिहास के पन्नों में था, तो वो सभी चीजों को लेकर आज उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने घर के अंदर दिया जलाएंगे, तो अयोध्या नगरी जो है वो दीपों से इस समय जगमगा रही है। अंजना, ये दिवाली हम लोगों ने एक साथ वहां दिवाली में कवर भी किया है अयोध्या में, ये दीपोत्सव तो उसी स्केल का हो रहा है क्या ऐश्वर्या? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना, उसी स्केल का किया जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो है घर के बाहर भी दिए जलाए जा रहे हैं और दुकानों के बाहर भी दिए जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने आदेश भी दिया था कि आपको उसी उत्साह के साथ ये दीपोत्सव मनाना है जैसे कि आप दिवाली मनाते हैं। और यही आपको नजारा जो नजर आ रहा है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे प्रभु श्री राम भी लिखा हुआ है, कई सारे जो डिजाइन है वो प्रभु श्री राम के नाम के हैं, कहीं ना कहीं धनुष जो है वो भी है, यहाँ पे जय श्री राम के नारे भी एक बार आपको सुनवा देती हूँ। ये जो है यहाँ पे आपने दिया जला दिया है जी, जला दिए रहे, जला दिया है, काशी से आए हैं, काशी से आए, भगवान राम ने मुझे बुलाया है, ये मुझे सौभाग्य दिए दीप जलाने के लिए आज सरयू माँ के घाट पर। तो कोई यहाँ पे काशी से भी आया हुआ है अंजना? बिल्कुल, और ऐश्वर्या भगवान राम ने बुलाया है तो यहाँ पे, और जय श्री राम से ही आज अयोध्या वासी एक दूसरे को संबोधित भी कर रहे हैं। संजय भी जुड़ गए, संजय आज भव्य दीपावली मना रही है अयोध्या। जी हाँ बिल्कुल, हमने 2-3 दिनों से देखा कि लोगों ने अपने घरों पर 2-3 दिन पहले से इस उम्मीद में राम का, राम लला का भव्य गृह प्रवेश होगा, उसके लिए लोगों ने अपने घरों में बिजली की लड़ियां वैसे ही लगाई हैं जैसे दिवाली में डेकोरेशन होती है। 15-20 किलोमीटर दूर अयोध्या आने वाले जितने रास्ते हैं सबके खंभों पर सुनहरी लड़ियां लगी हैं, और इसके साथ ही यहाँ लोगों के घर घर पर दीप हैं। मैं यहाँ राम की पैड़ी पर हूँ, तो राम की पैड़ी तो राम का अपना आवास माना जाता है, क्रीड़ा भूमि मानी जाती है, और वहाँ पर इतने दीप जलाए गए हैं, लगभग
सवा लाख से ज्यादा दीपों का टारगेट रखा गया मुझे लगता है, लेकिन टारगेट काफी पीछे छूट गया है। और इस पार से उस पार तक जहां तक निगाह जाती है दीपों की कतार नजर आती है, और वो भी लोगों ने स्कूल के बच्चे, पुलिस कर्मी, कई लोग हमने देखे जो यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए थे। और इसके साथ ही जैसे ही शाम हुई, जब तक सूरज की रोशनी थी तब तक तो सूर्य के आतप में रंगोलियां सजी हुई थी घाट पर, और भव्य दीपोत्सव ये आपको अयोध्या की हम दिखा रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, अनमोल दिल्ली से आप जुड़े हैं, यहाँ की दिवाली जरा जल्दी से दिखा दीजिए फिर चलेंगे मेहमानों के पास। अंजना, इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूँ, और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी ने तकरीबन 1,11,000 दिए जलाने शुरू कर दिए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दियों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि कहीं स्वास्तिक है, कहीं दियों को अरेंज करके दिए के रूप में ही बनाया गया है, और कहीं जय श्री राम के रूप में बनाया गया है। तकरीबन 1,00,000 से ऊपर यहाँ दिए हैं, साथ के साथ कनॉट प्लेस की मेन मार्केट में न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी ऐसा ही एक प्रोग्राम रखा है जहां 1,25,000 दिए जलाए जाएंगे। तो अगर हाँ इस समय कोई दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में है तो यहां नजारा दिवाली से भी ज्यादा चमकदार हो रखा है। हर कहीं आपको दिए, लाइट, भगवा झंडे नजर आएंगे, लोगों के हाथ में झंडे पकड़े हुए हैं और उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम, और लोग मिठाई बांट रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अंजना, बिल्कुल ये उत्सव है आज भारत का जो आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ है और सबके सामने एक बार भगवान राम भी दिखा दीजिए। ये हम आपको वाराणसी में भी गंगा आरती दिखा रहे हैं, हम आपको हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम अयोध्या की दिवाली भी दिखा रहे हैं, और एक तरफ भगवान राम भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि उनकी ये मूरत जो अब हर दिल में बस रही है, उस मूरत में 5 साल के भगवान राम और उनकी मुस्कान, आंखों में निश्चल भाव और सिर पर श्रृंगार वाला। तो सिर्फ जी, आज ममता बनर्जी ने वहां सद्भाव सर्वधर्म संभाव रैली निकाली है, क्या संदेश वो दे रही हैं? क्योंकि आज अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार जिस तरह से हो रहा है, यहां पर तो मंदिर का पूरा निर्माण ट्रस्ट ने किया है, ये आम लोगों के पैसे से हुआ है, ये हिंदू धर्म को मानने वाले, और आपको अगर मैं पूरी लिस्ट बताऊं, उनकी ये योजना थी कि हम 900 करोड़ रुपए इकट्ठा करें, विनोद जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूं, 3500 करोड़ लोगों ने दे दिए, 3500 करोड़। अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट से ही पहला महले का पूरा निर्माण हो गया, आने वाले युगों युगों के लिए वो देखरेख के लिए, मंदिर के लिए काफी है। विनोद जी, वो तो 3500 करोड़ रुपए तो सिर्फ 44 दिन में आए थे अंजना जी, जो 10 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों ने दिए हैं, और वो सिर्फ 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का चला वो 44 दिन का अभियान था। उसके बाद तो कितने लोगों ने दिए, और वो भी कोविड काल था, पता है आपको, जब लोगों के घर में दाना नहीं था खाने को, और उस समय लोगों ने दिल खोल के दिया था। आप देखिए कि ये जो है ना, इस आस्था के केंद्र को धूल दूषित करने का जो षड्यंत्र कुछ लोग रच रहे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ये पीछे रह जाएंगे। अभी भी समय है, आ जाइए राम के साथ, जुड़ जाइए राम के साथ, आ जाइए उस लहर में। देखिए, राम को जिसने छोड़ा उसको राम ने छोड़ दिया, और जिसने राम को पकड़ा राम ने उसका हाथ थाम लिया। अंजना जी, ये इस बात, ये देश राम का है, आप ये सोचो कि राम के इस देश में रावणवादी बाबरवादी मानसिकता को लेकर के आप अपनी राजनीति चला पाओगे, वो संभव नहीं है। अभी तो सबको साथ लेकर चलना है, अभी तो बहुत गौरवपूर्ण इतिहास बनाना है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, हमें साथ लेकर चलना नहीं है। हुआ कहाँ है, हुआ कहाँ है, अभी तो शुरू हुआ है, ममता जी ने भी सर्वधर्म संभाव रैली आज निकाली है, लेकिन कहां सर्व धर्मों के शांति को, सद्भाव को, कोई चुनौती थोड़ी ना थी आज अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तौसीफ जी, नहीं तो अगर ऑल फेथ रैली ममता बनर्जी निकालती है जहां पे उनके साथ 2000 सनातन धर्म के धर्मगुरु चलें, उनके साथ सिख के, बुद्धिस्ट के, जैन के, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु उनके साथ आज वॉक किए, तो इससे बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? बीजेपी को क्या उनको अपना बुरा दिन दिख रहा है?
ममता बनर्जी वो चले गए कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज करने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको खारिज कर दिया, ममता बनर्जी के रैली को अलाउ किया। ममता बनर्जी ने अपना रैली किया है, वो सबसे पहले सुबह में गई कालीघाट मंदिर में, उनके घर के करीब मंदिर है, वो हमेशा वहां जाती हैं, उन्होंने वहां पूजा अर्चना किया, जो पुरोहित को आगे रखा ममता बनर्जी ने और खुद पीछे खड़ी रही, और उसके बाद कालीघाट मंदिर में पूजा के बाद वो हाजदा मोड़ से उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया, पाक सकास मैदान गई और अपने साथ सारे धर्म संभाव उन्होंने और बीजेपी उन पर निशाना साधा। इसमें मिर्ची लगने की क्या बात है बीजेपी को? जल्दी से एक बार अनुराग जी अपनी बात कह लीजिए, संक्षिप्त में कहिए। देखिए अंजना जी, दिक्कत है कि चूंकि सुधांशु जी को समय ज्यादा मिलता है, जाहिर सी बात है, तो झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, और इतना झूठ बोल जाते हैं तब तक डिबेट खत्म हो जाती है। सबसे पहले सोलर, अगर पूरे गांव में सोलर का अगर वहां प्लांट लगाता और पूरा गांव सोलर से चलता है, वो कन्नौज में फकीरीपुर, शायद आपको पता नहीं, अब्दुल कलाम साहब जब गए थे उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आरोप लगाते हैं कन्नौज के आगे निकल ही नहीं पाए, तो अयोध्या पहुंच ही नहीं पाए। कन्नौज के उत्तर प्रदेश में नहीं है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में नहीं है, अरे तो सुन तो लीजिए, कन्नौज उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? एक्सप्रेसवे हमने बनाया तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया क्या? मेट्रो उत्तर प्रदेश में सोलर पर अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए सुधांशु जी, दो लाइन में अपना बात चौपाई से समाप्त करना चाहें तो वो और भी अच्छा, जल्दी से। अनुराग जी शायद सुन नहीं पाए, मैंने सोलर प्लांट नहीं कहा था, मैंने कहा था पूरा गांव सोलर पे चलता है, एक एक घर की बिजली, तो थोड़ा सुनने में आपसे कंफ्यूजन हो गया। वो गुजरात का मोढेरा पहला गांव बना, और मैंने ये भी कहा वहां सूर्य का मंदिर भी है, तो आधुनिक सौर ऊर्जा और सूर्य की प्राण प्रतिष्ठा दोनों थी, वही मैंने कहा, शायद आपसे सुनने में गलती हो गई, क्योंकि मोदी विरोध की बातें दो लाइन में गूंज रही होगी, शायद सत्य नहीं सुनाई पड़ रहा हो। दो लाइन में किसी दोहे के साथ प्रभु राम के समापन सुधांशु जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी ईमानदारी से प्रभु के प्रति एक आस्था रखिए, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि से तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो बगैर जैसे लगेगा कि आप बगैर जहाज के समुद्र तर जाते हैं, वैसा ही ये मंगलकारी है। और मैं एक और पंक्ति भी इसी के साथ अंत करना पड़ेगा सुधांशु जी, देखिए आप जो कह रहे हैं उस पर बीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी सर अपना राम धुन में वो कर रहे हैं, वो रम रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जरूर भ्रिकुटियां जिसको कहिए वो खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि कहीं आप 24 में आज जो किया है उसका इनाम तो नहीं खोज रहे।